बिहार में मंत्रियों द्वारा विवादित बयान देने का दौर जारी है। कभी मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं तो कभी जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी शहर को करबला बना देने की बात करते हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक मेहता ने विवादित बयान दे दिया है। भागलपुर के गोलाडीह पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने एक सभा को संबोधित करते हुए अनर्गल बयान दिया है। इस बार बयान धर्म नहीं बल्कि स्वर्णों को लेकर दिया गया है। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जो 10% वाले लोग हैं वो कभी अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, उनका काम सिर्फ घंटी बजाना था। जो 10% हैं उनके सामने जो आवाज उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि जो 10% है उन्हें EWS कहा जाता है या दलित शोषित के लिए उचित नहीं है, आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया, अंग्रेजों ने पहले आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जयदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत, जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व हूं, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूं खतियान को, देख रहा हूं जमीने कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से सामाजिक समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया है जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हमें हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो, आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, संगठित होइएगा तो आप भी लड़िए, लेकिन आपस में मत लड़िए। आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। लेकिन हमारे लोगों को यह समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लेते हैं और आप तो कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूमत चाहिए कि नहीं? इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा और सोचना होगा। मुख्यमंत्री गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 के सुकुल टोला लेन एवं चिरंजीवी बॉस लेन के बचे कुछ भाग में पथ एवं नाला का निर्माण कार्य के साथ साथ संसाधन योजना अंतर्गत कांग्रेस भवन के पीछे पार्षद कच्चे वार्ड कार्यालय का निर्माण कार्य किया गया। इसके तहत आज नगर निगम भागलपुर वार्ड नंबर 21 के पार्षद भवन का उद्घाटन एवं सुकुल टोला के शेष भाग का शिलान्यास भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन भी मौजूद थे। यह नाला का निर्माण 44,58,900 की लागत से तय हुआ है। वहीं पार्षद कक्ष में 9,81,929 की लागत से भवन निर्माण किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद संजय कुमार सिन्हा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों समाज सेवी एवं ग्रामवासी मौजूद थे। गौरतलब है कि भागलपुर नगर निगम में ये पहला पार्षद कक्ष बनाया गया है जिसका उद्घाटन डॉक्टर वसुंधरा लाल ने फीता काट कर किया। मैं सबसे पहले तो वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इनके सोच को और इनके जज्बे को सलाम करती हूं कि इन्होंने इतना अच्छा सोचा कि अब
एक कार्यालय बनाया जहां पर कि ये बैठेंगे और जितने भी इस वार्ड के प्रॉब्लम हैं उनको भली भांति समझेंगे और उसका कार्यान्वयन करेंगे। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूं और मैं चाहती हूं कि और अन्य जो भी वार्ड हैं इस तरह से ही आप सुसज्जित करें एक कमरा को और उस कमरे से में बैठ के अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उसको लें और उसको हमारे तक पहुंचाएं, मुझ तक पहुंचाएं और उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से सुसज्जित किया जा सकता है वार्ड को उसमें शामिल हों और इस कार्य में जो भी बाधाएं होंगी जो भी प्रॉब्लम होगा हम और प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब डिप्टी मेयर साहब जो बैठे हैं मेरे पास में वो हम लोग मिल के और आप लोगों के सहयोग से सारे पार्षदों के सहयोग से हम लोग बहुत ही सुंदर अपना वार्ड बनाएंगे, सुसज्जित वार्ड बनाएंगे, स्वस्थ वार्ड बनाएंगे। मेरा वार्ड जो 21 वार्ड है मेरे छोटे भाई संजय सिन्हा का है और ये लगातार अपने वार्ड के लिए चिंतित रहते हैं हमेशा। हम बहुत पुराने जुड़े हुए एक दूसरे से हैं तो हम हमेशा महसूस किया कि ये अपने वार्ड के बारे में सोते जागते हमेशा अपने वार्ड के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पहला पूरे 51 वार्ड में पहला ऐसा है जो पार्षद कक्ष बना है जहाँ लोगों की समस्याएँ सुनी जाएंगी, उसका निदान होगा और ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे। ये पूर्व से करते आ रहे हैं। इसका एक और उदाहरण ये हो सकता है कि ये लगातार जीतते आ रहे हैं तो ज़रूर अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ की जनता पसंद कर रही है। हालांकि इस बार बहुत सारे लोग हार गए पुराने लोग, लेकिन संजय अपनी जगह अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। और मैं और पार्षदों से भी कहूँगा कि इसी किस्म से वो प्रेरणा लें। ये नए सत्र का पहला उद्घाटन है। सबसे पहले कि शुक्ल टोला का जो हथिया नाला का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था उसको हम लोग नगर निगम पर दबाव बनाकर फंड लाकर उसका एक्सटेंशन के लिए जो घाट तक जाके मिलेगा एक सड़क का ही निर्माण होगा वो उसका शिलान्यास हुआ महापौर महोदया के द्वारा और डिप्टी मेयर के करकमलों के द्वारा। फिर ये पार्षद कक्ष का भी निर्माण करना था इसलिए कि यह एरिया में लोगों को कर्मचारी और नगर निगम के काम के लिए नगर निगम नहीं जाना पड़े, इसकी समस्या का निदान अपने ही वार्ड में पार्षद कक्ष में हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग ने पूर्व में ये अस्थाई समिति और समान बोर्ड में ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में एक एक पार्षद कक्ष हो जहाँ नगर निगम के सभी कर्मचारी आए और समस्या का निदान वार्ड में ही हो जाए, जिसका पहला उदाहरण है वार्ड नंबर 21 में यह पार्षद कक्ष का आज विधिवत महापौर महोदया के द्वारा और डिप्टी मेयर साहब के द्वारा आज उद्घाटन हुआ है। हमारा वार्ड धन्य है और मेरी वार्ड की जनता पूरा नगर निगम के इस सिस्टम पर बहुत खुश है। महापौर महोदया और डिप्टी मेयर पर बहुत आशा लेकर हमारा वार्ड बैठा है। यह स्लम एरिया में बहुत छोटा छोटा काम है जो अब हम लोग अपने सदन में आवाज़ उठाएंगे, हम महापौर महोदया पर दबाव बनाकर अपने वार्ड के काम। सरस्वती पूजा को लेकर भागलपुर शहर में मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। छोटी से बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण कर रहे कलाकारों का कहना है कि जितनी लागत मूर्ति निर्माण में लगती है वो बिक्री के समय लागत मूल्य मूर्तिकारों को नहीं मिल पाती है। कलाकारों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा सभी को लाइसेंस निर्गत करने को लेकर भी मूर्ति की बिक्री कम हो गई है। एक और कलाकार इसको लेकर भी परेशान है। एक प्रतिमा के निर्माण में 3 से 4 हजार रुपये तक लग जाते हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी बाजारों में ज्यादा सामान की कीमत बढ़ जाने के कारण मूर्ति कलाकार परेशान हैं। वहीं मिट्टी की लागत को लेकर भी इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिक्री में लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता जिस कारण कलाकार परेशान हैं। मूर्तिकारों को अब मूर्ति से संबंधित कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब चीज का महंगाई हो गया है, कहीं कुछ नहीं है मूर्तिकारों के लिए। मूर्तिकार जितना मेहनत करता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। और जो है ना सामान है 1 रुपया का, पार्टी आएगा बोलेगा 5 हजार का मूर्ति है, बोलेगा 2 हजार दें 1 हजार दें, तो इस तरह से हम लोग तो मतलब राजमिस्त्री लेबर से भी मतलब जो है ना बहुत एक मूर्ति बनाते हैं 5 दिन 6 दिन समय लगता है, उसका मजदूरी भी कम से कम 2 आदमी का अगर जोड़िएगा तो 5 हजार रुपया मजदूरी होना चाहिए, लेकिन 5 हजार रुपया में हम लोग मूर्तियाँ बेचते हैं। सामान तो अलग है,
उसमें जो है ना कहीं कोई प्रॉफिट मूर्तिकारों को अब नहीं। सामान महंगा सब हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। जैसे कि हम लोग सामान खरीदते थे 2 रुपया में, अभी 4 रुपया में मिलता है। रंग का कीमत बढ़ गया, आपका पुआल का कीमत बढ़ गया, आप जो है ना कांटी हो गया, सुतली हो गया, ये सब का इतना महंगाई हो गया है ना। रंग का कीमत बढ़ गया, एक एक ब्रश का दाम हो गया 500-600, रंग हो गया 1400-1500 रुपया किलो। ये सब परेशानी है हम लोगों के साथ में। गुंडा जो हम लोग धान का भूसा खरीदते थे वो सब नहीं मिलता है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो से कुछ अपराधी घूम रहे हैं। थोड़ी देर में पता चला कि एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है। उक्त संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें संजय कुमार सुधांशु, विधि व्यवस्था अंचल भागलपुर, संजय कुमार सत्यार्थी थानाध्यक्ष बदारी थाना, कौशल भारती थानाध्यक्ष औद्योगिक परिक्षेत्र, राजतन थानाध्यक्ष तिलका मांझी शामिल किए गए। पूरी टीम ने सूचना के आधार पर अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई। आसपास के जिले को सूचित किया गया। तकनीकी कोषांग की सहायता से अपराधियों का पीछा कर स्कॉर्पियो सहित 4 अपहरणकर्ता एवं 1 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण में नवगछिया पुलिस की भी मदद ली गई। इस पूरे कांड का उद्भेदन महज 1.5 घंटे के भीतर करके अपहृत व्यक्ति को सही सलामत बरामद कर लिया गया। अपहृत व्यक्ति की पहचान नवगछिया पकड़ा के जियालाल प्रसाद के 23 वर्षीय पुत्र सर्वेश कुमार के रूप में हुई है। घटना 0 माइल सबौर रोड के जावेद गैराज के पास से घटित हुई। वहीं अभियुक्त के रूप में गौरव कुमार, सौरभ कुमार, आशीष कुमार, उदय कुमार और चालक संजय कुमार के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने स्कॉर्पियो के साथ 3 मोबाइल भी बरामद किया है। हम यह कह सकते हैं कि भागलपुर पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए महज 1.5 घंटे में अपहृत व्यक्ति को सही सलामत बरामद कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर ली। निश्चित रूप से पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है और इसके लिए एक सिटी सीलिंग और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग का आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था दिन में, और आज वो पहला मॉक ड्रिल था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसी के बाद लगभग 3:30 बजे के पास एक जावेद गैरेज है 0 माइल के पास, वहाँ से एक व्यक्ति हैं सर्वेश जो कि नवगछिया के रहने वाले हैं, उनका अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई। और उसके बाद तत्क्षण DSP सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी SHO बरारी, सब इंस्पेक्टर कौशल भारती SHO औद्योगिक प्रक्षेत्र, SHO सब इंस्पेक्टर राजरतन SHO तिलका मांझी थाना, ये टीम मेंबर्स थे। इनके द्वारा तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए और पूरे ज़िले की सीमा को सील किया गया और नवगछिया और खगड़िया कटिहार के पुलिस अधीक्षक गण से भी बातचीत की गई और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अपने अपने जिलों को सील करें। उनके द्वारा भी अपने जो भी सीमावर्ती जगह थे वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और जो हमारी तकनीकी सेल की टीम है उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया। इस पूरे टीम के संयुक्त प्रयास से ये जो अपहरित युवक था सर्वेश, उसकी बरामदगी ये नवगछिया के लतड़ा गांव है गोपालपुर थाने में, वहां से 1.5 घंटे के भीतर इसकी बरामदगी की गई और इसमें सम्मिलित जो 4 व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो चालक था उसकी भी गिरफ्तारी की गई। जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से इस पूरी घटना को कारित किया गया उसको भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल था 3 उसको भी बरामद किया गया। अपहरण का मोटो क्या, कारण क्या था सर? किस अपहरण का विवाद है, कोई इनके बीच में पुराना विवाद है, उसके बारे में हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। चूंकि 3:30 बजे की घटना है और 5 बजे की रिकवरी है, अभी 3 ही घंटे हुए हैं लगभग, 3-4 घंटे, तो टीम उस पर पूछताछ कर रही है, उसके बारे में भी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। जानकारी कैसे हुई लोगों को? जानकारी जो SHO औद्योगिक प्रक्षेत्र हैं उनको जानकारी हुआ, उन्होंने मुझे बताया, हम लोगों के द्वारा पूरा टीम बनाया गया।
26 जनवरी की तैयारी को लेकर सैंडिस कंपाउंड में तैयारी प्रारंभ हो गई है। इस बार 26 जनवरी के अवसर पर पुलिस, बीएमपी, सीआईटी के अलावे एनसीसी स्काउट के बच्चे भी परेड में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस बार कोरोना काल के बाद 26 जनवरी धूमधाम से मनाई जाएगी, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार सैंडिस कंपाउंड में भीड़ लगने के भी आसार है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर भी ख्याल रखते हुए काम करेगी। शहर के तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें फेयर डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकारनाथ झा सहित शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ राज्यभर से आए डीलर एसोसिएशन के सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा लिए। सरकार के द्वारा नई खाद नीति के विरोध में ये लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आम जनता को तो सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है, वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए कहीं से भी कोई कार्य नहीं किया गया है, वहीं कमीशन भी तय नहीं की गई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 7, 8, 9 फरवरी को देश में सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन को बंद रखा जाएगा। वहीं सरकार अगर इन लोगों की बातों को नहीं मानती तो पूरे देश में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आंदोलन करेंगे। सम्मेलन के दौरान काफी संख्या में जन वितरण प्रणाली की आप ही बताओ कि पूरे भारत वर्ष में आजादी के बाद एक ऐसी सबसे बड़ी योजना जिसको चलाने वाले अगर पेट में कपड़ा बांध करके गरीबों की सेवा करेंगे तो हमको सम्मेलन नहीं करें, हम सड़क पर नहीं उतरे, हम धरना नहीं दें तो और हम क्या करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो हम चल रहे हैं, हमने अल्टीमेटम दिया है प्रधानमंत्री को 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान की ई पॉस मशीन बंद रहेगी, सभी राशन की दुकानें बंद रहेंगी और इसीलिए आज इसी चीज़ को बताने के लिए हम अपने साथियों के बीच में हम आए हुए हैं। जिला को संगठन मजबूत बना रहा, पूरे बिहार राज्य के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उस प्रतिनिधि के माध्यम से आज हम लोग फैसला लेना है कि ऑल इंडिया के द्वारा जो घोषित किया हुआ आह्वान है 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे बिहार राज्य का दुकानदार बंद रखेंगे, अपना पॉस मशीन बंद करके हड़ताल करेंगे और 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन को मार्च करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जन वितरण दुकानदार पूरे आक्रोश में हैं, उनसे फ्री में राशन बंटवाया जाता है, उनको गोदाम से अनाज नाप कर नहीं दिया जाता है, माने सरकार उनको पूरी तरह प्रताड़ित कर रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं हमको सरकारी सेवा घोषित कीजिए। आईएमए भागलपुर द्वारा आईएमए हॉल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 60 लोगों का जांच किया गया। शिविर में लोगों का मुफ्त में ब्लड, शुगर, थायराइड, ईसीजी, पीएफटी, बीपी आदि का जांच किया गया। तकरीबन 20 लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा था, किंतु उन्हें इसकी जानकारी या लक्षण नहीं थी। वहीं स्वास्थ्य शिविर के दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर एसएन झा ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, टहलने, योग, स्वस्थ खान पान पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजय सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम में सचिव डॉक्टर मनीष कुमार के अलावे शिविर में शामिल अन्य चिकित्सक डॉक्टर एस एन झा, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर आरती जायसवाल, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, डॉक्टर संजय निराला, डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा के अलावे कई चिकित्सक मौजूद थे। नाथनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा एवं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न करने हेतु फैसला लिया गया। इस बैठक में सिटी डीएसपी के साथ शांति समिति के सदस्य, पूजा समिति एवं मुहर्रम कमेटी के लोग उपस्थित हुए। सरस्वती पूजा की स्थापना 26 जनवरी को की जाएगी। विद्या संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, लॉज, हॉस्टल, तरह तरह के सामाजिक संगठन इत्यादि का मूर्ति विसर्जन 27 तारीख को लगभग 80% मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाएगा। इस हेतु वैकल्पिक तालाब की व्यवस्था चंपा पुल नदी के पास, मखदुम शाह दरगाह घाट के पास, बंगाली टोला, श्रीरामपुर घाट,
एवं लालूचक घाट पर करना नितांत आवश्यक बताया गया। कारण चंपा नदी में इस बार पानी नहीं के बराबर है। सरस्वती पूजा को लेकर किसी तरह की कमेटी नहीं बनने की स्थिति में मूर्तियों का विसर्जन एवं इसकी स्थापना अपने अपने सुविधा अनुसार लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विसर्जन शोभा यात्रा में किसी भी हालत में डीजे को नहीं बजाया जाएगा, साथ ही फुवड़ गाने का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में विसर्जन शोभा यात्रा में नहीं चलेंगे। इस बैठक में नव निर्वाचित पार्षद सोनी देवी के अलावे पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महाशिव देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष भावेश यादव, अशोक राय, डॉक्टर अनवर अलहक, सिकंदर कलीमुद्दीन, अयाज अली, जुम्मन अंसारी, कलीमुद्दीन फकरे आलम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मध्य निषेध एवं बबरगंज थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसका स्लोगन था, आइए हम और आप मिलकर नशा मुक्ति एवं अपराध मुक्त समाज बनाए। इसी बाबत मध्य निषेध के पदाधिकारी एवं बबरगंज थाना प्रभारी के साथ समाज के लोगों को नशा से दूर रखने एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की पहल करते दिखे। वहीं मध्य निषेध के पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार नशा मुक्त बने, उसी बाबत हम लोगों को भी इस पर पहल करने की जरूरत है। वहीं अपने समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अपराध से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे हमारा समाज अपराध मुक्त हो सके। के लेके अपने बबरगंज थाना के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह के द्वारा ये आयोजन रखा गया था। इसमें हमारे सभी ग्रामीण भाई माता बहन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। निश्चित तौर पे इस अभियान के द्वारा लोग जागरूक होंगे और लोग अपने बच्चे को जो बहुत हद तक अपने बच्चे को कंट्रोल में लाएंगे।